हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग। ठीक है, तो प्रोसेस अगर क्वेश्चन पूछा है तो प्रोसेस में तुम लोग पॉइंट वाइज ही लिखोगे। ठीक है, पॉइंट्स जो है वो अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि प्रोसेस इज़ नथिंग बट सेम लाइक ए स्टेप। ऑलराइट, सो प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग विल स्टार्ट। द फर्स्ट इज द डिसीजन ऑन द टारगेट मार्केट। सी, हर एक मीडिया जो है वो पहले से ही प्लान कर लेता है अपने टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द एज, इनकम एंड अदर फैक्टर्स। ऑलराइट, सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस हेल्प्स द मीडिया प्लानर टू अंडरस्टैंड द प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ऑडियंस, ओके, एंड देयर हैबिट्स। ऑलराइट, तो द प्लानर विल सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर दिस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने सबसे पहले टारगेट किसको करना है, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, हमें पहले वो डिसाइड करना है। Next is deciding on media objective. See, the media planner has to decide the media objectives, right? Media objectives क्या क्या होते हैं कि हम कितने number of people को हमारा जो advertisement है वो बता रहे हैं, और हमारे जो cast audience हैं उनको हमारे advertisement के through उस particular product के बारे में awareness हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने उस एड को कितना पीरियड तक का रन किया, ताकि जो भी लोग हैं उसने हमारे एडवर्टीजमेंट को देखा है या नहीं देखा है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अगर तो हमें एलोकेट करना है एडवर्टीजमेंट, तो हम टाइम स्लॉट एलोकेट करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स हम थोड़ा सा कम करेंगे, फिर उसके बाद में 3 मंथ्स हम थोड़ा सा कम करेंगे, एंड देन जो भी रिमेनिंग होगा, ठीक है, 3 मंथ्स उसमें वापस रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे हम अपना जो भी बजट है उसको इस तरीके से एलोकेट करेंगे। ऑलराइट, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव फर्स्ट डिसाइडेड द टारगेट मार्केट एंड देन वी हैव डिसाइडेड द मीडिया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज चूजिंग मीडिया टाइप्स। सी, मीडिया प्लानर हैज टू चूज द मीडिया, ओके, इट कैन बी न्यूज़पेपर, टेलीविजन, आउटडोर, रेडियो एडवर्टीजमेंट एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, मेरा एडवर्टीजमेंट कहाँ पर प्ले होना चाहिए वो मुझे चूज करना है। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। सी, फॉर एग्जाम्पल, इफ द मीडिया प्लानर सिलेक्टेड मीडिया टू एडवर्टाइज एज मैगजीन, ठीक है, मुझे मैगजीन में अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो बताना है, ठीक है, तो मैगजीन कौन कौन सी हो सकती है? बिजनेस टुडे हो सकता है, बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया एक्सेट्रा। दिस इज सम ऑफ द फॉलोइंग आर द चॉइसेस इन बिजनेस मैगजीन्स। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे अगर मेरा पर्टिकुलर जो भी एडवर्टीज है प्रोडक्ट का, अगर वो कुछ बिजनेस रिलेटेड है तो मैं बिजनेस मैगजीन में करूँगी, अगर मेरा स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो वो स्पोर्ट्स मैगजीन में होगा, है ना। तो आई नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन चूजिंग द मीडिया व्हीकल। इफ़ आई एम गोइंग फॉर सम स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, तो आई विल डू द एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन, बट विच मैगजीन, इट हैज़ टू बी स्पोर्ट्स मैगजीन। डन। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ फंड। सी, द मीडिया प्लानर हैज टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ फंड्स टू ईच मीडिया टाइप एंड व्हीकल। अगर मेरा मीडिया है मैगजीन और व्हीकल है स्पोर्ट्स मैगजीन, तो मुझे पहले से पता होना चाहिए बट कौन सा कितना फंड लगेगा। अब जैसे कि मीडिया मैंने चूज किया है किंडर जॉय के लिए टेलीविजन, तो व्हीकल कौन सा होगा? कार्टून नेटवर्क। क्लियर हुआ मीडिया एंड मीडिया व्हीकल? तो उस हिसाब से मुझे क्या करना है, फंड्स को एलोकेट करना है। डन। नेक्स्ट इज मीडिया स्केड्यूलिंग। अगर तो मैंने एक मीडिया लिया है, अब मैं उसको
कब स्केड्यूल कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा फैक्टर्स लाइक द प्रोडक्ट, ओके, द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फॉर एग्जांपल वो कौन सा इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है, ग्रोथ पे है, मेच्योरिटी पे है, या फिर यू नो वो डिक्लाइन हो रहा है, तो फॉर श्योर हम तो एडवर्टाइज नहीं करते, है ना, क्योंकि वो स्टेज होता है जहाँ पर हम लॉस मेकिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फंड्स जो एलोकेट हो रहे हैं वो डिपेंड होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द स्केड्यूल ऑफ द मीडिया, ओके। तो मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज मस्ट बी डिसाइडेड। नेक्स्ट यू नीड टू प्लेस योर एडवर्टीजमेंट। अब तुम्हें टाइम पता चल गया है, तुम्हें स्पेस पता चल गया है, तो उस हिसाब से व्हाट आर यू गोना डू इज यू विल बुक द टाइम एंड द स्पेस विद द मीडिया ओनर, सो दैट जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा यू नीड टू मॉनिटर द अपियरेंस ऑफ द एड्स। एंड द लास्ट इज फॉलोअप। फॉलोअप की जब हम बात करें से देर इज ऑलवेज अ नीड टू यू नो फॉलो अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिया प्लान। जो भी हमने प्लान किया है क्या वो अप्रोप्रिएट हो रहा है, क्या वो इफेक्टिवली हो रहा है, तो वो तो हमें बहुत ज़रूरी है ना, तो फॉलोअप इज मस्ट। ऑल राइट, तो प्रोसेस किस तरीके से था। फर्स्ट यू नीड टू टेक अ डिसीजन ऑन योर टारगेट मार्केट, विच मार्केट आर यू टारगेटिंग, विच ऑडियंस आर यू टारगेटिंग, then the media objectives, then you need to choose the media type, you need to be very specific when you choose media types in that it has to be a media vehicle, then the funds that has to be allocated appropriately, media scheduling, you need to place the ads and there has to be an implementation or I can say a follow-up. All right, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग। आई होप समझ में आया होगा। इफ़ येस डू लाइक शेयर एंड येस कॉमेंट। थैंक यू।